हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे पॉसिबल इलेवन की यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये मैच की वीडियो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में जो सेकेंड T20 आई खेला जाएगा उसके लिए। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये फर्स्ट मैच था, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग रहा। इंडिया आराम से ये मैच जीता, ये बहुत ही अच्छी बात और बड़ी बात है इंडिया टीम के लिए। पर जो फर्स्ट मैच रिकैप मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, इंडिया ने पहले बैटिंग की, पारी लड़खड़ाई 100 रन के आसपास, पर फिर रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी पारी खेली, फिर उन्हें कंकशन केस हुआ, फिर यूसीएल जडेजा की जगह लाए गए, तो ये कुछ सिनेरियोस घटे। फिर यूसीएल ने बोल के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, नटराजन ने विकेट चटका और ऑस्ट्रेलिया शुरुआत में जीत की, पर लास्ट में फिर लड़खड़ा गई और इस तरह से भारत जीत गया मैच। विराट कोहली को मिचेल स्विप्सन ने आउट किया था, एक बड़ा विकेट था, इसलिए मेरे हिसाब से वो टीम में जरूर नहीं। तो एक्सपर्ट द्वारा बनने की प्लेइंग 11 आपके सामने है, प्लीज चेक इट आउट। यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्सी शॉट, एरन फिंच दोनों ही लास्ट मैच में अच्छे दिखे थे, मॉज़िक ऑनरिक्स ने विकेट स्टार्ट कर लिए थे, मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेट काफी नीचे आए थे बैटिंग करने, स्टीन एबॉट, मिचेल स्टार्क उतने लैम्प नहीं थे लास्ट मैच में, पर फिर भी धवन को बहुत अच्छी गेंद पे आउट किया था उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल है जो फेजर होल्ड है, वहीं इंडिया की तरफ से बात करूँ तो एक बड़ी अपडेट, रविंद्र जडेजा रूल्ड आउट और श्रद्धुल ठाकुर को ऐड कर दिया गया है टीम इंडिया के स्क्वाड में। तो शायद श्रद्धुल ठाकुर खेलते में भी देख सकते हैं, क्योंकि ODI में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, और नेथन रॉयन और कैमरन ग्रीन की जगह T20 स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इंडिया की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि मनीष पांडे की भी जगह जा सकती है, शार्दुल ठाकुर आ सकते हैं सुंदर की जगह, बुमराह वापस आ सकते हैं, बुमराह लास्ट मैच नहीं खेलते हैं, बहुत बड़ी वो तो चीज़ है भारत, नहीं तो डिफेंड करना काफ़ी मुश्किल होता है बिना बुमराह के भारत के लिए, यही टीम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपडेट्स की ओर। पहले मैं बता दूँगी 500 रुपये का गिव अवे आपको इस मैच में मिलेगा, प्लीज़ इंस्टॉल आवर एप्लीकेशन पॉसिबल 11, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, रेफरल कोड यूज़ कीजिए कैपिटल बाय कैपिटल टी टू गेट अ रेफरल बोनस। तो फ्रेंड्स, ये देखिए गिव अवे, आपको बस अपनी टीम सजेस्ट करनी है जैसे मैं करके दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैच देखेंगे, मैच खेला जाएगा, दो मैच का मोमेंटम मिल गया हमारा, तो एक वनडे का एक T20 आएगा। तो लास्ट मैच 11 रन का मार्जिन था, ज़्यादा मार्जिन नहीं था फ्रेंड्स, पर फिर भी लास्ट तक इंडिया डोमिनेट कर गई थी, इसलिए एक हेवी विन मेरे हिसाब से। शुरुआत में एरन फिंच अच्छे दिख रहे थे, 35 रन उन्होंने अच्छी से स्पीड पे बना दिया था, और 3 विकेट लिए थे उन्होंने मात्र 30 रन दे के। मैथ्यू नीचे बैटिंग करने आए थे, मैक्सवेल को ऊपर भेजा गया था, तो कुछ हॉचपॉच सिचुएशन थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, पर बॉलिंग इनकी अच्छी हुई, हेजलवुड ने अच्छी गेंदबाजी की, स्टाफ ने अच्छी गेंदबाजी की, स्विप्सन की खराब गेंदें खेल रही थी, पर फिर भी उन्होंने बड़ा विकेट चटका विराट कोहली का। टीम इंडिया की बात करूँ तो पहली जो दो इनिंग है, पहले तो ODI हारने के बाद बड़ा कम बैक है इनका, वहीं जैसे मैंने कहा कि रविंद्र जडेजा हिट हो गए और वो अब बाहर हो चुके हैं पूरे सीरीज से, तो ये थोड़ा दिक्कत की बात है। विराट कोहली वन डाउन दिखेंगे, संजू सैमसन दिखे थे लास्ट मैच में, हार्दिक पांड्या ने थोड़ी सी हिटिंग दिखाई, पर फिर वो जल्दी जल्द करते वो करते इस मैच में ज़्यादा स्कोर करे वो। अगर जडेजा नहीं खेलते तो चहल खेलते, क्योंकि चहल लास्ट मैच में बहुत काफ़ी अच्छा उन्होंने गेंदबाजी की, नटराजन ने अपने डेब्यू में 3 विकेट झटके, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन। हेड टू हेड की बात करें तो इंडिया का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी अच्छा रहता है, मुझे लगता है इस बार भी वो डोमिनेट करेंगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम, आगे फैंटेसी पे टिप्स की बात हो तो कीपर के चॉइस में लोकेश राहुल काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, वहीं बैट्समैन की बात करूँ तो बैट्समैन ज़्यादा पकड़े अगर आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि बैटिंग विकेट की उम्मीद की जा रही है। यहाँ कुछ पिक्स आपको बता रहे हैं, संजू सैमसन डाची शूट अपने आज ग्रैंडिंग में ट्राई कर सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग के पास पिक्स है, यहाँ पर ग्रैंड लीग के रिस्क पिक्स है, कुछ की प्लेयर्स विद पॉइंट्स एंड क्रेडिट्स और बेस्ट परफॉर्मेंस भी फ्रेंड्स विद पॉइंट्स एंड क्रेडिट एंड फॉर्म। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन में, इंस्टॉल कीजिए बस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पैसे कमा सकते हैं, वीडियो सर्च आउट कीजिए हाउ टू रन पॉसिबल 11 ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, प्लीज सर्च की देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं फ्री में घर बैठे बैठे। कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइसेस एरन फिंच, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, धवन, लोकेश राहुल, विराट कोहली एंड हार्दिक पांड्या। पिच रिपोर्ट की बात हो तो ये 1:40 में मैच शुरू होगा, दोपहर में सिडनी में मैच खेला जाएगा, एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, यहाँ पर हमने देखा 350 दो बार ऑस्ट्रेलिया ने क्रॉस किया, इंडिया ने भी 300 क्रॉस किया था, तो एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है।
तो वेदर ग्रीन एफर्ट्स के लिए जितने टीम बनाने की होगा, टीम्स हम पहले स्टडी करेंगे, जैसे यहाँ की ग्रैंड की टीम में कैप्टन जोनाथन, ये मैंने पर्सनली बहुत लाइक किया क्योंकि धवन ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा रन स्कोर करने के लिए जाने जाते हैं, एक अच्छे रन स्कोरर है ऑस्ट्रेलिया में। और ये स्टीव स्मिथ हमारे कैप्टन, जबकि T20 में हाथ थोड़े बंधे हुए रहते हैं, लास्ट में ज़्यादा स्कोर नहीं करने पाया, राहुल लास्ट में फेल हो गए थे, फेल नहीं हुए थे फ्रेंड्स, 50 रन इंपॉर्टेंस रखती है, पर वो स्पीड और वो एक्यूरेसी से नहीं खेले जो वो खेलते हुए दिखते थे IPL में। वो बोलूँगा कि इस मैच में एक अच्छा उनके लिए मैच हो, एरन फिंच लास्ट मैच में अच्छे दिखे पर बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, ऑनरिक्स है यहाँ पर, ऑनरिक्स भी एक अच्छे विकल्प। फिर मैक्सवेल है, सुंदर है, हार्दिक पंड्या टीम में होनी चाहिए, शॉन एबट, मिशेल स्टार्क, जो स्पीड उनका बहुत अच्छी टीम है फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट। ऐसी टीम की बात हो तो कैप्टन राहुल है, वाइस कैप्टन एरन फिंच लास्ट मैच दोनों मैचेस में रन बनाए, तो ऐसे के लिए अच्छे पिक है विराट कोहली, आशीष और शिखर धवन, मैक्सवेल, हार्दिक पंड्या, शमी, नटराजन, जैम्पा, स्टार्क। एक यूजर्स की टीम देखे तो ये बहुत ही रिस्की टीम है, आशीष वाट एज कैप्टन, मैथ्यू वेयर एज वाइस कैप्टन, मनीष पांडे, ऑनरिक्स, प्योर जीएल टीम है फ्रेंड्स, अगर इनका तुक्का लगता है तो अच्छी बात फ्रेंड्स। जीएल टीम में तो आपको कुछ ऐसे बाहर पिक्स लेने ही पड़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी टीम बनाने की ओर। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरी टीम में लोकेश राहुल की ज्यादा तो रहे ही, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं ये, मेरी टीम में जरूर रहेंगे। धवन को मैं टीम में जरूर रखूंगा, टाशी शोट, एरन फिंच, इन्हें मैं अपनी टीम में फॉर श्योर रखूंगा। ऑनरिक्स को मैं अपनी टीम में रखना चाहूंगा फॉर इज ऑलराउंड एबिलिटी, मैक्सवेल से ज्यादा मुझे इन पे भरोसा हो गया, खासकर अभी T20 जो क्रिकेट चल रही है, बोलिंग इन्हें ज्यादा मिलती है, यही कारण है। स्टोरी जेंटलमैन मीडियम पेस करते हैं तो थोड़ी फंसाने में कामयाब होते हैं। मैक्सवेल को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। फिर हार्दिक पंड्या है, फिर तीन बोलर्स या फिर चार बोलर्स जैसे आप चाहें उन हिसाब से जा सकते हैं। मिशेल स्टार्क मुझे अच्छे लगे, यूजीशियल काफ़ी अच्छे लगे, लास्ट मैच की बात करें तो टू बी पर्टिकुलरली अबाउट। फिर नटराजन और एक जो बॉलर है, अगर आप बुमरा खेलते हैं तो आप बुमरा के साथ जा सकते हैं फॉर श्योर, मुझे लगता है इस बार बुमरा खेलेंगे तो आप बुमरा के साथ जा सकते हैं, पर मैं अभी सुपरिटी नहीं तो पहले हम देख लेते हैं इंडिया के प्लेयर्स थोड़े कम हो गए, कोई बात नहीं। तो हम शार्दुल ठाकुर अगर खेलते हुए देखते हैं शार्दुल ठाकुर के साथ जा सकते हैं, पर मैं अभी जा रहा हूँ दीपक चहर के साथ, शुरुआत में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। अच्छी टीम दिख रही फ्रेंड्स, बैलेंस है, दो ओपनर्स इंडिया की तरफ से, फिर हार्दिक पांड्या है, एक और बैट्समैन, चार ऑलराउंड, दो ऑलराउंड एबिलिटीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑनरिक्स और मैक्सवेल, फिर जुटाशी शॉट ओपनर्स और फिर चार गेंदबाज। तो एक मैं हल्का सा एडिट करना चाहूँगा कि अगर आप मैक्सवेल की जगह संजू सैमसन को ले आते हैं तो ये भी एक अच्छा पिक होगा, पर इंडिया के ज़्यादा हो जाएंगे तो आप यहाँ से एक गेंदबाज बैठा कर एक ऑस्ट्रेलियन मिशेल स्विपसन के साथ जा सकते हैं, एडम जैम्पा के साथ जा सकते हैं, उनके लीडिंग बॉलर के साथ जाना ज़्यादा सर्टेन रहेगा। ये एक अच्छी टीम थी फ्रेंड्स, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात हो तो कैप्टन मैं बनाना चाहूँगा लोकेश राहुल को, आपकी भी एक अच्छी उम्मीद की तरफ से एक इनिंग आने की। और वाइस कैप्टन में थोड़ा सा क्लिंची हो रहा हूँ और जा रहा हूँ आशीष के साथ, थोड़ा सा रिस्क है फ्रेंड्स, पर रिस्क इज इक्वल टू रिवॉर्ड। ओपनिंग करते हुए देखेंगे लास्ट टाइम कंसोलिडेटेड देख लेते, थोड़ी सी भी लंबी इनिंग खेल लेते हैं, 40-50-60 रन बनाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। चलिए इस टीम को मैं सबमिट कर देता हूँ, टीम सबमिट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइक करने के पैसे मिलते हैं फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिए, बहुत सारे पैसे आप कमाने के यहाँ पर जरिए हैं, गिव अवे दिए जाते हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर पॉसिबल है, लिमन ऐप और इंस्टॉल कीजिए हमारी एप्लीकेशन, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, रेफर कोड कैपिटल लाइक कैपिटल टी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, बहुत सारे पैसे कमाए आप लोग भी, हम चाहते हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और फ्रेंड्स जरूर जरूर कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, बहुत सारे पैसे कमाए।